नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू ऑरेंज स्पून हिंदी। आज हम देखेंगे वेजिटेबल पुलाव। वेजिटेबल पुलाव के लिए ये कढ़ाई में ऑयल डालना है। मैंने ये चम्मच से 2 चम्मच तेल यूज़ किया और तेल गर्म होने के बाद इसमें ऐड करना है जीरा। जीरा फ्राई होने के बाद इसमें ऐड करना है छोटी इलायची, तेजपत्ता, लवंग और फ्लावर सब ऐड करना है, होल गरम मसाला। ये भी फ्राई होने के बाद इसमें ऐड करना है, मैंने 2 बड़ा प्याज काट करके रख दिया, वही ऐड करना है। इसमें स्पाइसी के लिए मैंने आज 2 हरी मिर्च यूज़ कर रहा हूँ। इसमें हम चिल्ली पाउडर यूज़ ना करती है, इसलिए आपका कितना स्पाइसी चाहिए आप उतना मिर्ची ऐड कर सकता है। ये थोड़ा फ्राई होने के बाद इसमें ऐड करना है 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसमें ऐड करना है नमक। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद नमक डाल के मिक्स करने के वजह से कढ़ाई में लहसुन अदरक का पेस्ट चिपना ना हो जाएगा। और ऐड करना है 1 कप बीन्स, 1 कप कैरेट और 1 कप आलू। आलू में ना थोड़ा बड़ा बड़ा काट कीजिए, नहीं छोटा काटने की वजह से ज़्यादा मिक्स हो जाएगा। इसे मिक्स करना है। ये थोड़ा प्लेन हो जाएगा इसका ग्रेवी, थोड़ा चिकन ग्रेवी, मटन ग्रेवी, मशरूम ग्रेवी है ना, इसका साइड डिश बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने 1 ग्लास में 2 ग्लास राइस ले लिया, उसके लिए मैंने 4 ग्लास पानी यूज़ कर रहा हूँ। 1 ग्लास चावल का 2 ग्लास पानी। मैंने आज बासमती राइस यूज़ किया। पुलाव में वो सब्जी प्याज वगैरह कलर चेंज ना होना चाहिए। और पानी में 1 चम्मच मैंने घी यूज़ कर रहा हूँ, इसके वजह से वो राइस है ना थोड़ा अलग अलग आ जाएगा। आप तेल और घी कोई भी यूज़ कर सकता है। अभी पानी गर्म हो गया और इसमें ऐड करना है, मैंने 2 चम्मच बासमती राइस का वॉश करके 1/2 घंटा सोक किया। अब हमेशा वॉश करने के बाद कोई भी राइस सोक करना है, सोक करने के बाद वॉश ना कीजिए। राइस डालने के बाद ऐसे 2 बार ऐसे करना है, ठीक हो जाएगा, ज़्यादा मिक्स ना कीजिए। इसमें ढक्कन डाल के बिल्कुल सिम में 10 मिनट रखना है, छोटा बर्नर में सिम में 10 मिनट रखना है। और 10 मिनट के बाद आप चेक कीजिए, देखो पानी पूरा बराबर हो गया, चावल भी अच्छा आ गया अलग अलग। आप इसी टाइम में काजू को थोड़ा घी में फ्राई करके वो भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत टेस्ट हो जाएगा। और अभी धनिया पत्ता मैंने ऐड कर रहा हूँ। आप अभी तक हमारा ऑरेंज स्पून तमिल एंड हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, इसके वजह से हमारा वीडियोस आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। हमारा वेजिटेबल पुलाव रेडी हो गया, इसका स्पाइसी साइड डिश बहुत अच्छा हो जाएगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।